क्या आर्ट हुई है, ठीक है, उन्होंने एक आदमी बनाया हुआ। तो ये जो सारी चीजें लगी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स क्या चल रहा है, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने लाइसेंस ले लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स लाइसेंस लिए हुए तकरीबन मुझे एक वीक हो जाने लगा, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं वीडियो नहीं बना सका। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सी वीडियो बनाने वाली है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो फ्रेंड्स बस टाइम भी बस मैनेज नहीं हो रहा, तो ड्यूटी पे जाना होता है, तो अभी भी बस ड्यूटी पे निकल रहा हूँ, तो रस्ते में वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस कैसे लिया हमने और कौन कौन सी मिस्टेक अक्सर लोग कर जाते हैं, आपने कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। मेरे साथ दो भाई थे, ठीक है, तीन का टेस्ट होता है इकट्ठे में, वो फेल हो गए थे। वो कैसे फेल हुए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी बस बाइक के पास आ चुका हूँ, ठीक है, इधर से पहले निकलता हूँ, कहाँ पे जाता हूँ, फिर उधर कोई थोड़ा सा टाइम मिला तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो फाइनली बाइक के पास आ चुका हूँ, ये बाइक खड़ी है इधर, ये अभी इसकी तिजोरी खोलते हैं, जो हमारी सेफ्टी सूफ्टी है, हेलमेट शेलमेट है वो निकालते हैं बाइक पहन के, तो ड्यूटी पे निकलते हैं। लेट हो रहा हूँ तो फिर उधर जाके बाकी माँ को बताता हूँ क्या सीन है। तो आजकल फाइन भी बहुत अच्छे वाले हो रहे हैं, तो ये जिसने रिफ्लेक्टिंग जैकेट करनी पहननी होती वो भी भाई पहने, बड़ा सीन है इसका आजकल। तो फ्रेंड्स हमने सेफ्टी सेफ्टी पहन ली है, अभी आपका भाई फुल तैयार हो चुका है, ठीक है, काम पे जाने के लिए रेडी है। तो अभी यहाँ से बस निकलता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी ऑनलाइन भी नहीं है यहाँ पे, हो सकता जो एरिया उधर ही जाके ऑनलाइन होता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, लाइसेंस कैसे लिया मैंने। फ्रेंड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ट्राई में मैंने लाइसेंस ले लिया, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 मंथ तक लगे होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और पैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा सेव कर लिए हैं। तो क्या सीन है सारा मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देखें आप क्या आर्ट हुई है, ठीक है, उन्होंने एक आदमी बनाया हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है, माउस, स्पीकर, प्रोसेसर, सीडीज़, ये सारी चीज़ें के साथ उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो बड़ा कमाल किस्म का लग रहा है, ठीक है, ऑर्डर लेने आया था, तो ये मैंने खुद अभी पहली दफ़ा देखा था, ये देखा पूरा उन्होंने क्या कमाल चीज़ बना दी है। वाह क्या बात है यार, वैसे भी इसका व्यू इसके सामने वाला वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जगह सही है, शिम नहीं हुई है, इसके सामने वाला व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सर, ये पूरा सीन है, ठीक है, इधर टावर शुवर भी लगे हुए हैं, साथ में इधर रेस्टोरेंट है, उधर से हिमालय पिकअप करने आया था, तो मैंने सोचा दोस्तों को ये भी सर आदमी को दिखा दूँ थोड़ा सा, इधर का झूला भी लगा हुआ है, अभी फ्री नहीं है, अगर फ्री होता तो इधर से हमने झूला भी ले लेना था जी। तो फ्रेंड्स फाइनली 13 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपका भाई वापस आ चुका है, तो टाइम लगा ही नहीं है कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है, अभी कटिंग करवाने जा रहा हूँ शॉप पे, बियर सेट करवानी है जाके, फिर खाना लेना, घर जाना, अगर टाइम लगा तो फिर इसको मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। आपको बता दूँ मेरा बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, तो अभी वो कैमरा मैन पहन चुके हैं, तो वैसे तो मुझे टाइम नहीं था मिलना, अभी मैंने बियर सेट करवाने ला जाना था, खाना लेकर घर चले जाना था, जाके शावर लेना था, ठीक है, कपड़े भी कुछ वॉश होने वाले थे वो भी करने थे, तो टाइम बड़ा ज़्यादा हो जाना था, तो अभी मुझे कैमरा मैन मिल चुका, तो फ्रेंड मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूँगा उसमें होता क्या है, किस वजह से वो दोस्तों को फेल कर देते हैं। फ्रेंड्स तो हम तीन आदमी थे, ठीक है, तो चौथा आरटीए वाला था, ठीक है, जो हमारा एग्जामिनर था, जो हमसे एग्जाम ले रहा था, तो एक बंदा कैसे फेल हुआ वो मैं बता देता हूँ आपको, वो पहले उसको स्लो ड्राइव से उन्होंने फेल किया था, ठीक है, तो अभी उसको उसके माइंड में ये था कि अभी जो है ना मैं गाड़ी को तेज चलाऊंगा तो मुझे वो पास कर देंगे, तो 60 के रोड पे वो 80 अबव जा रहा था, ठीक है, फिर उसे इस वजह से स्पीड लिमिट क्रॉस करने की वजह से उन्होंने फेल कर दिया था। तो फ्रेंड्स और मैं आपको बता देता हूँ, एक जो दूसरा आदमी था उसको उन्होंने क्यों फेल किया, उस वजह से फेल किया
फ्रेंड्स उसने लाइन ठीक से नहीं चेंज की। तो मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा, जिसके पास अपनी कंडी का लाइसेंस है या वो उधर गाड़ी चलाता रहा, तो इधर वो ये सीन नहीं देखते हैं कि आप गाड़ी चाहे जितनी मर्जी अच्छी चलाते रहो, जो उन्होंने आपको रूल बताए हैं बस आपने उनको फॉलो करना है तो आप तभी पास हो सकते हो, वैसे अदरवाइज वो आपको नहीं पास करने वाले। चाहे आप 4 दफ़ा ट्राई दो, 5 दफ़ा दो, जितनी दफ़ा मर्जी दो, ठीक है। तो मेरा भी यही सीन है कि जो बस रूल थे मैंने उनको फॉलो किया, ठीक है। अगर आपको 60 का रूट उन्होंने बताया आपने उस पर ही रहना है, अगर आपको 80 का बताया आपने उस पर ही रहना है, लाइन आपने ठीक से चेंज करनी है, राउंड अबाउट में आपको वो फेल कर देते हैं। कोई भी खुद से आपने ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहते, उसने बोला था मुझे, मैंने उससे पूछा ना कि तुम इतनी स्पीड पे क्यों चला रहे थे, वो बोला कि यार पहले मुझे स्लो ड्राइव से उन्होंने फेल किया। फ्रेंड्स 60 की स्पीड वाला रोड है तो आपने 60 पे जाना, ठीक है। 5 पॉइंट आप ऊपर कर सकते हो जब आपने लाइन चेंज करनी हो। तो फ्रेंड्स वैसे अदरवाइज आप कोई भी मिस्टेक करोगे तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं है, वो आपको फेल करेंगे ही करेंगे। तो आपके भाई ने बिल्कुल ठीक से गाड़ी चलाई है, ठीक है, रूल को ठीक से फॉलो किया। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर चुका लेसन। तो और मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, कुछ दोस्त बोलते हैं कि ये बताएं कि हमें ठेका करना चाहिए या हमें नॉर्मल में जो है ना वो पैकेज करना चाहिए। तो फ्रेंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भाई ठीक से गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, उनको नॉर्मल पैकेज ही यूज़ करना चाहिए। और जो फ्रेंड दोस्तों को ठीक से गाड़ी नहीं चलाना आती उनको मैं ये बोलूँगा कि वो आप पैकेज करें, पैकेज करने से भी पहले उनसे पूछ लें, ठीक है। ये नहीं होता, वो आपको बोलते हैं कि आपकी हर एक चीज़ अनलिमिटेड है, लेकिन क्लासें आपकी अनलिमिटेड होती हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते। वो 3 दफ़ा फेल करते हो तो उसकी फ़ीस आपने देनी होती है, ये आप स्कूल वालों से पहले बात कर लीजिएगा। अगर जिन भाइयों को बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाना आती वो पैकेज करें, ठीक है, जो वो 10,000 का करते हैं। तो फ्रेंड जिनको ठीक से गाड़ी चलाना आती है वो पैकेज ना करें, 1 दफ़ा फेल करेंगे, 2 दफ़ा फेल करेंगे, 3-4 दफ़ा आप निकल ही जाओगे, लेकिन फिर भी आपका 10,000 से कम ही खर्चा होगा। तो आइए फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बहुत दिन से बस टाइम नहीं था लग रहा वीडियो आपके लिए बनानी थी, और भी वीडियो अभी बनने वाली है, ठीक है। कैसे मैंने उसको क्लियर किया पार्किंग को, वो भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड ज़्यादा देर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।